The Aam Aadmi Party has offered one seat to the Congress in Delhi after taking a dig at the grand old party. Aam Aadmi Party MP Sandeep Pathak said the party does not deserve even one seat in Delhi, but keeping in mind the quote-unquote Dharma of Alliance, AAP is offering the grand old party only one seat while they are planning to fight on six seats. This, he said, on merit basis, Congress deserves no seat in Delhi. This, of course, comes after AAP decided to go solo in Punjab, ditching the Alliance. Meanwhile, other Alliance bloc members have also been at loggerheads over seat-sharing talks in several states. Let's listen in to what Sandeep Pathak had to say. दिल्ली के परिपेक्ष में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जीरो सीट है, विधानसभा में भी जीरो सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्म है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पे लड़े और 6 सीट पे। जॉइनिंग अस फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी, नवीन, after offering no seats to the Congress in Punjab and in Chandigarh, now the Aam Aadmi Party only willing to concede one seat in Delhi? बिल्कुल, देखिए बता दें कि कल आम आदमी पार्टी की जो पीएससी की मीटिंग थी वो आयोजित की गई थी और उसमें कई राज्यों में चर्चा की गई, चाहे वो गोवा हो, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम राज्यों में चर्चा की गई, कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में दिल्ली को लेकर कल आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, उन्होंने बयान दिया कि अगर आंकड़ों की देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। एमसीडी चुनाव का हवाला देते हुए संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की मात्र 9 जो है वो अभी के समय कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इंडिया अलायंस में हैं तो ऐसे में एक सीट वो कांग्रेस को देने को तैयार है, यानी दिल्ली की कुल 7 सीटों में से एक सीट आम आदमी पार्टी अभी के समय कांग्रेस को दे रही है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के का जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्योंकि बीते दिनों जब बात हो रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो 3-4 पे जो सहमति थी वो लगभग बनती दिख रही थी, यानी 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही थी और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरह से जो इंडिया अलायंस की मीटिंग है उस वो अभी फिलहाल बंद है। कल संदीप पाठक ने ये भी कहा था कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भारी मन से कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रखना था, लेकिन जो मीटिंग्स है वो नहीं हो रही और चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट्स को उतारना जरूरी है। तो कल संदीप पाठक ने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी कांग्रेस को रवैये को लेकर। उन्होंने ये भी बोला कि एक सीट वो कांग्रेस को देने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस के जो ग्राउंड्स हैं, जो कांग्रेस का आंकड़ा है उनके मुताबिक उन्हें एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अलायंस के पार्टनर हैं, अलायंस के मेंबर हैं, तो ऐसे में वो एक सीट कांग्रेस को देने को तैयार हैं और बाकी 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स दिल्ली में उतारेगी। The AAP, in fact, and the Congress are at loggerheads in both Punjab and Delhi over seat sharing for the upcoming Lok Sabha polls. Amidst this, BJP has hit out. Against the Congress party by its own allies. Few days ago, Mamata Didi said, take 2 seats, you don't deserve more than 2 seats, or else I am fighting all the seats alone. In Punjab, Aam Aadmi Party said, 13+1 Chandigarh seat, we are going to fight it alone. In Uttar Pradesh, Akhilesh ji announced his seats and said, Congress, you should take these many seats and be happy. In Maharashtra, Sanjay Raut says, you have to start from zero. So in every state, you can see that no alliance partner has any confidence in Congress party or in Rahul Gandhi. And therefore, this is not an alliance of Modi Hatao. It is actually an alliance of Congress ko Ghatao. Anyhow, Congress should be given 200 or less seats to contest across the country, because Congress and these parties have come into existence after finishing each other's existence. Aam Aadmi Party came into power after killing Congress Party in Punjab. In Delhi, they came into power after finishing Congress Party in Delhi. So why will they want to revive the Congress Party? But one thing is clear. Ever since Rahul Ji has started Nyay Yatra,
पीपल आर सेइंग बाय बाय टू हिम. वी हैव सीन हाउ मायावती जी सेड इट, ममता दीदी सेड इट, मिलिंद देवरा सेड इट, अशोक चव्हाण सेड इट, इन बिहार इट वॉज सेड, इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो पीपल आर सेइंग बाय बाय, एंड द एंटायर जनता इज ऑल्सो गोइंग टू से बाय बाय टू सच एन अलायंस. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.